हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे जो कि सिंधु सभ्यता और उसकी संस्कृति से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो इसमें फर्स्ट है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। नेक्स्ट है, हड़प्पा संबद्ध है सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, ये कौन से युग से संबंधित है? ऐसा आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो ये है आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आद्य थी क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, तो ये है मृद्भांड। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, इसका आपको रीजन बताना है। इसका रीजन है, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी और इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, इसीलिए ये वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो इसका प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलन है। तो यहाँ पे आपको ये आपके सही सुमेलित करके इनके आंसर्स दिए गए हैं। तो ये है EJH मैक जो है वो रिलेटेड है सुमेर से लोगों के पलायन से। मार्टिमर व्हीलर रिलेटेड है पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। और अमलानंद घोष रिलेटेड है हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। नेक्स्ट है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था लाल रंग। नेक्स्ट है, मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय, हाथी, गैंडा तथा बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ है, वो पशु कौन सा है? तो वो है गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीन स्थल किस चीज़ से पुरातात्विक खोज से रिलेटेड है ये आपको बताना है। तो लोथल जो है वो एक डॉकयार्ड है यानी कि बंदरगाह या गोदी बाड़ा। नेक्स्ट है, कालीबंगा, ये जो लोथल है ये आपका गुजरात में है, कालीबंगा आपका राजस्थान में है, ये जुते हुए खेत के लिए फेमस है। नेक्स्ट है धौलावीरा, ये भी गुजरात में है, ये रिलेटेड है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख से। और बनावली, ये है आपके हरियाणा में, ये पक्की मिट्टी से बनी हुई हल्की प्रतिकृति के लिए यहाँ पे खोज हुई थी, इसकी के लिए फेमस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ लोकेशंस हैं वो कौन सी नदी के किनारे हैं आपको बताना है। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे हैं, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे, नागार्जुनकोंडा कृष्णा नदी के किनारे और पैठन गोदावरी नदी के किनारे। और कुछ और नीचे दिए गए हैं, इसमें हड़प्पा अगेन है रिपीटेड रावी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे और रोपड़ सतलज नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के बारे में आपको बताना है कि क्या सही है इनमें से। तो आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन ही दिया गया क्योंकि ये एक फैक्चुअल है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं है, आपको एक डायरेक्ट आंसर दिया गया है। तो इसके बारे में क्या चीज़ है सिंधु सभ्यता के बारे में, तो ये है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था,
और माता देवी की उपासना की जाती थी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, और अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए ये फेमस है। ठीक है, अब आपको कुछ लोकेशंस दी गई हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, कौन सी लोकेशन कहाँ पर है ये आपको बताना है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के इम्पोर्टेंट स्थल हैं। तो आलमगीरपुर जो है वो यूपी में है, लोथल गुजरात जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, कालीबंगा राजस्थान, रोपड़ पंजाब, या आलमगीरपुर आपका रिपीटेड है, बनावली हरियाणा ये मैं आपको बता चुकी हूँ, दायमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ हरियाणा। नेक्स्ट देखेंगे कुछ और लोकेशंस हैं, मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ हरियाणा। तो ये आपको लोकेशंस से जो है इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस, ये आपको पता होने चाहिए कि कहाँ पर है। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल कौन कौन से हैं, तो ये है मोहनजोदड़ो, जनहूदड़ो, जुडेजोदड़ो, आमरी, कोटदीजी, अली मुराद, ये सब सिंध में स्थित है। नेक्स्ट है जनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, जीएच मैक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कालीबंगा हड़प्पा लोथल एवं आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, इन चारों में से वो कौन सा है, वो है हड़प्पा। ठीक है, बाकी की लोकेशंस हम देख भी चुके हैं। नेक्स्ट है रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है सौराष्ट्र गुजरात में। ठीक है, यानी कि रंगपुर जो है इसकी लोकेशन गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है पंजाब का। नेक्स्ट है हड़प्पा मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है वह है लोथल गुजरात। नेक्स्ट है वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है वह स्थित है, स्थित था भोगवा नदी पर। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन सिकंदरिया लोथल महास्थानगढ़ नागपट्टनम में से वह जो हड़प्पा का बंदरगाह है लोथल एक डॉकयार्ड है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, तो इसका राइट आंसर है लोथल। नेक्स्ट है कालीबंगन रोपड़ पाटलिपुत्र तथा लोथल में से वह जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है वह है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है राखीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे माता देवी की, पशुपति की, लिंग एवं योनि की, पशुओं की, नागों की एवं वृक्षों की। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन हैं, तो वो हैं राखलदास बनर्जी जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की, और दयाराम साहनी जिन्होंने हड़प्पा की खोज की। ठीक है, तो अब ये तीन चार लोकेशंस हैं, इनकी खोज किसने की इसमें आपको ये बताया है, तो हड़प्पा की खोज की दयाराम साहनी ने, लोथल की एस आर राव, सुरकोटदा जे पी जोशी, धौलावीरा जे पी जोशी। नेक्स्ट है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो थे ए कनिंघम। नेक्स्ट है आर डी बनर्जी के एन दीक्षित, एम एस वत्स और वी ए स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे तो वो हैं वी ए स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में हड़प्पा कालीबंगन लोथल और मोहनजोदड़ो में से वह स्थल जहाँ से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं वो है मोहनजोदड़ो।
नेक्स्ट है सही कालक्रम है, तो यह है नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा, सोने के सिक्के। नेक्स्ट है सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वह था तांबा। नेक्स्ट है हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वह है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनावली में से वह स्थल जो घग्गा और उसके सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, तो वो है बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें सही आपको बताना है, तो यहाँ पे तो आपको राइट स्टेटमेंट ही दिया गया है, तो ये है मोहनजोदड़ो हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगन, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया। अब यहाँ पे आपको कथन और कारण दिया गया है, तो कथन है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, इसका रीज़न है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक है, तो ये आपके स्टेटमेंट्स और रीज़न ये दोनों वैसे तो सही हैं, बट ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो आपका यही सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। नेक्स्ट है धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह हड़प्पी नगर जो तीन भागों में विभक्त है वह है धौलावीरा। नेक्स्ट है एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुंतासी, धौलावीरा, लोथल एवं कालीबंगन में से वह स्थल जहाँ से द्विशव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है लोथल और कालीबंगन से। नेक्स्ट है हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं मानव शवाधान। नेक्स्ट है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया भारत में। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ सही कथन है, यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व तो यद्यपि उपस्थित था वचनशाली नहीं था, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन कौन सा है, ये देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है, कौन सी लोकेशन से मिली है, ये मिली है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पशु जिनका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं किया गया है वो है घोड़ा, गाय और ऊंट। तो यहाँ पे तो ये जैसे आपके फैक्चुअल फैक्ट्स में आपको दे रही हूँ, बट आपके एग्जाम में आपके MCQs आते हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस को लर्न करना है अच्छे से और समझना भी है। नेक्स्ट है जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं वह है शेर। नेक्स्ट है मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंगयुग देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। नेक्स्ट है वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी मिश्र की सभ्यता। नेक्स्ट है माया, एस्टेक, मुइस्का, इनका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है एस्टेक, माया, मुइस्का और इनका। एंड इस टॉपिक का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इन फैक्ट्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए, ऐसे हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें अपने चैनल पर डाली हैं उत्तराखंड से रिलेटेड भी और अदर भी प्रीवियस ईयर पेपर्स भी, तो आप उन्हें सॉल्व करते रहिए। ओके, थैंक यू।